हेलो एवरीबॉडी, पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में मैं नीरू आप सभी का स्वागत करती हूं। और इस वीडियो लेक्चर में हम कर रहे हैं एसएससी सीजीएल टियर 3 पेपर 2017 के लिए। पेपर कोड है हमारा 1104। चलिए देखते हैं हमारे टॉपर्स कौन थे इस पेपर के लिए। जो हमारे टॉपर हैं उनका नाम है प्रशांत वाजपेयी। प्रशांत वाजपेयी जो हैं ये हरदोई से हैं और इन्होंने हमें लिखकर भेजा है प्रशांत हैज स्कोर्ड 71 मार्क्स आउट ऑफ 100। सो वेल डन प्रशांत। सेकेंड पोजिशन पर है प्रशांत कुमार मीना। और जो प्रशांत कुमार मीना है इन्होंने स्कोर किए हैं 69.5 मार्क्स। ओके 69.5 मार्क्स और इन्होंने हमें चंडीगढ़ से लिख के भेजा है 69.5। और उसके बाद है प्रभाकर पांडे। प्रभाकर पांडे जो है इन्होंने हिंदी मीडियम में हमें लिखकर भेजा है और इनके जो मार्क्स हैं वो 68 हैं। ओके तो ये फैजाबाद यूपी से हैं। ये दोनों जो है हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं एंड प्रशांत हैज रिटन इन इंग्लिश। ओके तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सो दिस इज प्रशांत वाजपेयी पेपर। पेपर कोड इज 1104। नाउ लेट्स टेक अ लुक। दिस इज हिज पिक्चर, प्रशांत वाजपेयी फ्रॉम हरदोई। नाउ रेलेवेंसी के लिए इनको मैंने दिए हैं 10 नंबर। ओके रेलेवेंसी के लिए इनके 10 नंबर जो हैं उसमें से इनके आए हैं टोटल 7 मार्क्स। रेलेवेंसी आपने कोई कुछ इधर उधर की देखिए, मैं बहुत लोगों का देख रही हूँ कि जो बिगनिंग है इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसमें वो बहुत सारी चीज़ें इरेलीवेंट लिख रहे हैं, मुद्दे की बात पर आ ही नहीं रहे हैं। इनफैक्ट पिनाकल टीम को ढूंढना पड़ रहा है कि कब मुद्दे की बात पर आएगा। स्पेलिंग ग्रामर के लिए 5 मार्क्स, वर्ड लिमिट के लिए 5 मार्क्स, कंटेंट क्वालिटी के लिए 8, फॉर्मेट के लिए 5, राइटिंग नीट एंड क्लीन के लिए 5, इफेक्टिव सेंटेंसेस 7 और कोहेसिवनेस के लिए 5। इनको टोटल 36 मार्क्स मिले हैं। सिमिलरली 50 मार्क्स का लेटर है। और अब हम देखते हैं कि हमारा टॉपिक फॉर द एसे क्या है। जो टॉपिक आपको दिया गया था वो ये था सोशल मीडिया अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। और मुझे लगा था आप में से बहुत लोग बहुत अच्छा लिखेंगे क्योंकि ये तो भाई यूथ से रिलेटेड टॉपिक है, युवाओं से रिलेटेड टॉपिक है। सारा दिन आप अपने फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर इन्हीं चीज़ों में तो घुसे रहते हैं। लेकिन कभी कभी किसी चीज़ में घुसा होना और उसके बारे में जानकारी होना, ऐसी जानकारी होना कि आप उसके बारे में एक अच्छा निबंध लिख सकें, दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। मैंने प्रशांत वाजपेयी को टॉपर इसलिए बनाया है क्योंकि अभी मैं इनका जब पेपर पढ़ूंगी तो आपको ये एहसास होगा कि इन्होंने कुछ भी इररिलेवेंट नहीं लिखा है। ओके अगर आप मेरे से पूछें तो मैं आपसे कहूंगी कि 50% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत कुछ इररिलेवेंट लिखा। काफ़ी लोगों ने शुरुआत इस तरह से की कि पुराने ज़माने में हमें अपने दोस्तों के पास बहुत दूर जाना पड़ता था, फिर धीरे धीरे टेलीफोन आया और आज के टाइम में अगर दो घर भी हैं तो उनके बीच में एक मध्यस्थ चाहिए, शादी करवाने के लिए बीच में एक मध्यस्थ चाहिए, दो देशों के बीच में अगर शांति वार्तालाप होनी है तो बीच में मध्यस्थ चाहिए। जमाना बदलता गया, पहले टेलीफोन आए, टेलीफोन पहले हम फोन बूथ से फ़ोन किया करते थे, फिर धीरे धीरे हर किसी के हाथ में फ़ोन आया, उसके बाद इंटरनेट की दरें सस्ती हुई और उसके बाद आज ऐसा जमाना आ गया है जबकि हर कोई इंटरनेट से कनेक्टेड हो गया है। इतना कुछ लिखते लिखते इतनी ज्ञान की बातें बताते बताते आपके 120 शब्द तो पूरे ही हो जाते हैं। आप फटाफट रेलेवेंट चीजों पर आओ, आप इधर उधर इतना घुमा फिरा कर क्यों पता नहीं इतना समय बर्बाद करते हैं, मेरा भी और अपना भी। चलिए खैर हम प्रशांत का पेपर पढ़ते हैं। 13 ईयर्स अगो फेसबुक विच टूडे इज द मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया वेबसाइट वॉज फाउंड। Found is incorrect here. Instead of found, he should have written founded. Okay, it was founded. It started with an objective of enhancing connectivity with relatives and friends online and increasing the flow of information. But has it really brought people closer? Did it make sure the information spreading through it is real? Then it says social media in its nascent is in its nascent phase. It was all fun and exciting. Twitter brought celebrities closer to us. See, now he's talking about the advantages. Twitter brought celebrities closer to us. Facebook presented an opportunity to us to keep in touch with our loved one. WhatsApp completely replaced SMS for sending messages. Snapchat and Instagram attracted youngsters. Apart from these, a host of other social media websites and apps crept up as in the internet penetration increased. With increased internet speed and user base, social media became extensively used for a myriad of services. All kinds of advertisements, review of any product, job hunting, education, etc. Now, if you carefully note, he's talking about how it is useful to us and what are the advantages. Okay. So then advertisements, review of any product, job hunting, education, etc. They were all done through social media. Slowly, they started taking over our lives. Many people today are addicted to it.
People unconsciously are giving priority to their virtual friends rather than real people. Even many divorce cases are filed due to it. See, very nicely he was talking about the advantages, and then how smoothly he has moved on to talking about the disadvantages. Because what was the topic? The topic was simply social media. Is it opportunities or these are threats? So that was our topic slowly. He moved on to the disadvantages. Social media has also provided a platform to lots of politicians and terrorist groups to spread their religious or ideological propaganda. The rise of fake news poses a serious threat to the future generation. So he's continuing with the disadvantages. It is separate from fiction on social media platform. Leaders are still clueless to find a solution to this problem. We can only hope that social media will be used more responsibly in the future. Okay, see now what was the topic? The topic was, is it threats or is it advantages? What is it? Opportunities. See, very nicely he started with the role of Facebook in our lives. Okay, there were some students who have talked about how many people have joined Facebook and how many people join it in every hour. That way they had talked. Even if you look at the second paragraph, he has mentioned all those that are relevant in the social media. He's talked about WhatsApp, he's talked about Facebook, he's talked about Twitter, he's talked about all that. And then finally, he has talked about the advantages and then the disadvantages. And he has ended on a positive note that we should use it responsibly. Okay. And it is due to these points that he has become the topper. Now, let me show you how many marks he has scored in each of them. For relevancy, he's got 7 marks. He did not write anything which was irrelevant. Spelling and grammar, 4 marks. Word limit, 3 marks. Content quality was good, 6 marks. Format, 4 marks. Yes, he's divided his essay well into 4 different paragraphs. Writing was fine. I didn't find it difficult to read. Effective sentences, yes. And could he blend it all together? Yes. So overall, he got 36 marks. Now let me take you to his letter. His letter was also good. Now let me read the letter to you. You are Rohit working in Delhi. Your elder brother is staying with his wife in your native village. You come to know about frequent domestic violence incidents at your brother's, between your brother and your sister-in-law. Now see, 212/D, Shampur village, Lucknow district, 29 September 2017, dear brother, I am writing this letter to you as I have come to know about few things happening at home which have deeply disturbed me. As a family, we were already aware of your drinking habits and how it was destroying you slowly and straining your relationship with your wife. And now I have come to know that you have started to raise your hands too on her. This is really painful to hear. Dear brother, we have spent a lifetime together as brothers and friends, and I know how wonderful a person you really are. Do not let something control you. Be the person again who cared and valued relationships. I know sometimes life becomes hard and problems are inevitable, but resorting to violence and showing frustration on our loved ones is not the solution. I hope you will listen to your younger brother and take care of yourself and our family. Yours affectionately, Rohit. Okay, so see, if you see this letter, is the tone fine? Yes. See, you had to write a letter to your elder brother, and you had to see, between a husband and a wife's relationship, you have to be very, very sensible when you try to give some kind of an advice, and very sensibly, very politely, using the right tone, this person has written the letter. In fact, some of the letters which I read, it seemed as if you are threatening your elder brother. That is not the case. Okay, you can't threaten him. If you don't do this, I'm going to file an FIR in the police station. I'll drag you to the police station. You don't know what are the consequences of beating a woman. Many things like that. I like this letter because the tone was very, very nice and appropriate. And he has even given a reason for the domestic violence, that drinking is the reason. Okay, so he's done well. And in his letter also, he scored good marks. Let me show you his marks. What has he scored? Okay, now these are the marks he has scored in the letter. Relevancy, yes, 7 marks. Spelling and grammar, 3 marks. Word limit, 3 marks. Content quality was good, 6. Format, 6. Writing neat and clean, 3. Effective sentences and cohesiveness, finally he got 35, which makes him the topper with 71 out of 100. So, well done. Now, let's move on to the person who's on the second position. Okay, on the second position, we have Mr. Meena. ये हैं पवन कुमार मीना चंडीगढ़ से. ओके, पवन कुमार मीना जी ने हमें चंडीगढ़ से लिख के भेजा है, हिंदी मीडियम में लिखा है, और अब मैं आपके लिए इनका
जो पत्र है और इनका जो निबंध है वो पढ़ती हूँ। सोशल मीडिया अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, ये हमने टॉपिक दिया था और यहाँ पर इनकी थ्रेट्स की स्पेलिंग जो है हमने ध्यान नहीं दिया, गलत है। सोशल मीडिया वास्तविकता का ऑनलाइन संसार, जहां लोग विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर आदि के माध्यम से आपस में जुड़े रहते हैं। यह तीव्र गति से चलने वाला संचार माध्यम है, जिसके द्वारा अधिकतम लोगों तक सरलता से सूचना पहुंचा सकते हैं। इन्होंने ये इस प्रकार से लिखा है, संभावनाएं, आपको इस तरह से नहीं लिखना है। ये जो हम एक थोड़ी सी हेडिंग लिखकर एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, सॉल्यूशंस, इस तरह से लिख के उसको अंडरलाइन करते हैं, ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट है, ओके? ये हम प्रश्न और उत्तर में इस्तेमाल करते हैं, निबंध में नहीं। काफी लोग इस तरह से एबीसी वगैरह लिखते हैं, आपको वो भी नहीं लिखना है। 1 2 3 लिख देते हैं, वो भी नहीं लिखना है। स्टार मार्क बना देते हैं, वो भी नहीं लिखना है। बुलेट पॉइंट्स बना देते हैं, वो भी नहीं करना है। सिंपल 5 पैराग्राफ, 4-5 पैराग्राफ लिखिए, 50-50 शब्दों के, या 4 पैराग्राफ लिखिए अकॉर्डिंगली, करीबन 60 या 65 शब्दों के, ये आपको करना है। तो ये मैंने सर्कल किया है, आप आगे से ध्यान रखेंगे पवन। और मैंने लिखा है, इस प्रकार से न लिखे, ये प्रश्न उत्तर में होता है। सोशल मीडिया द्वारा किसी भी व्यक्ति, संस्था, समूह और देश को आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से समृद्ध बनाया जा सकता है, जिससे जिसने समय समय पर लोकतंत्र को प्रभावी बनाने का काम किया है। जिसके उदाहरण अन्ना हजारे की सोशल मीडिया पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन में जुड़ने की लोगों से अपील, जिसमें लाखों की संख्या में लोग उनसे जुड़े। यस, अगर आप न्यूज वगैरह फॉलो करते हैं, आप में से काफी लोगों के लिए मैं चाहती थी कि, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, एग्जांपल्स दो, जितने लेटेस्ट एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। जैसे देखिए, एडवांटेजेस में इंडिया अगेंस्ट करप्शन में का आप एग्जाम्पल दे सकते थे, निर्भया कांड का आप एग्जाम्पल दे सकते थे, ओके? इस तरह के आप एग्जांपल्स दे सकते थे। फेक न्यूज़ में आप कितने एग्जांपल्स दे सकते थे। ट्रंप के चुनाव के दौरान एक वो न्यूज़ फैली थी कि पोप ने ट्रंप को आशीर्वाद दिया है, वो वाली न्यूज़ आप इसमें रिलेट कर सकते थे। और इस तरह से इंडिया की भी काफ़ी सारी न्यूज़ आप दिखा सकते थे। फेक न्यूज़ का भी जो चलता है सोशल मीडिया पर, वो डिसएडवांटेजेस में आ जाता। और पीछे जो कुछ एक बच्चों की मौत हुई है एक खेल के दौरान, वो आगे इन्होंने मेंशन किया है, वो भी हम देखेंगे। तो इन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में जुड़ने की लोगों से अपील, जिसमें लाखों की संख्या में लोग उनसे जुड़े। 2014 में लोकसभा चुनावों में राजनीतिक पार्टियों द्वारा सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़ी, उसका परिणाम वोटिंग प्रतिशत बढ़ने के रूप में दिखा। इसके माध्यम से ही निर्भया को न्याय दिलाने के लिए हजारों लोग जो है वो सड़कों पर उतरे। और अगर आपको याद हो तो इसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है हमारा, उसमें भी संशोधन किया गया था, सड़कों पर आए, जिससे सरकार कड़े कानून बनाने को विवश हुई। सोशल मीडिया पर विभिन्न शिक्षा संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान करने तथा विभिन्न मंत्रालयों द्वारा ट्विटर जैसे माध्यम पर जनमानस की समस्याएं जानने एवं उनके निवारण में मदद मिली है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से 2-3 एग्जांपल्स देके कि किस तरह से इसको पॉजिटिवली यूज किया जा सकता है, वो सारा कुछ बताया। आगे देखो खतरे, फिर इन्होंने वो अंडरलाइन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया, ये आप आगे इन फ्यूचर ये ना करें। इसकी सकारात्मक भूमिका होने के साथ कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं, जैसे बड़े आतंकवादी संगठनों ISI, IM इत्यादि इसके माध्यम से युवाओं को भ्रमित कर अपने संगठनों से जोड़ रहे हैं। साइबर सुरक्षा कड़ी नहीं होने से किसी जाति धर्म से संबंधित एडिटेड फोटो वीडियो डालकर लोगों में भ्रम फैलाया जाता है, जिससे दंगे जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विद्यार्थियों के द्वारा भी इसके ज़्यादा प्रयोग से उनकी शिक्षा पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इसमें लोग आपस में अनजान होने से कई मासूम आपराधिक तत्वों के जाल में फंस जाते हैं। अतः हमें इसके प्रति सावधान होना होगा तथा समाज को भी इसके खतरों के प्रति सचेत करना होगा। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फाइनली इन्होंने थोड़ा सा एक समाधान के रूप में क्या किया जाए वो भी बताकर इसको खत्म किया। सो वेल डन, आगे चलते हैं। अब मैं आपके लिए इनका पत्र पढ़ती हूँ। 1542 एजी कॉलोनी दिल्ली, 30 सितंबर 2017। आदरणीय भाई साहब, सादर प्रणाम।
मैं यहाँ सकुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ सकुशल होंगे। भैया, मुझे कुछ दिनों पहले भाभी माँ द्वारा प्रेषित पत्र द्वारा पता चला कि आप व्यापार में घाटा होने की वजह से नशे के आदि हो चुके हैं। आप इस कारण नेक दिल इंसान होते हुए भी भाभी माँ के प्रति क्रूर होते जा रहे हैं। उतार चढ़ाव हर इंसान की जिंदगी का पहलू है, हमें इसका डटकर सामना करना चाहिए। चाहिए यह नहीं कि जो हमारे सुख दुख में भागीदार रहे हैं उन्हीं पर अत्याचार करने लगे। आप नशे में इतने पागल हो गए हैं कि घर में दो निर्दोष बच्चों से भी मारपीट करने लगे हैं, तथा भाभी माँ जिनके सहयोग से आपने इतनी उन्नति की है उनके प्रति इतनी निर्दयता व निठुरता बिल्कुल अनैतिक है। आप परमात्मा में विश्वास एवं भाभी व बच्चों को प्यार दे, सब ठीक हो जाएगा। भाभी माँ को मेरा प्रणाम तथा बच्चों को नमस्ते कहना, आपका अनुज रोहित। ओके, तो इन्होंने भी बड़े सेंसिटिवली संवेदनशील तरीके से पूरा पत्र लिखा, सलाह देने की कोशिश की, वेरी नाइस। आगे चलते हैं, ये है प्रभाकर पांडे जी का पेपर। ओके, प्रभाकर पांडे, सोशल मीडिया संभावनाएं व खतरे, उसके बारे में इन्होंने लिखा है और मैं अब आपके लिए पढ़ती हूं। पिछले दो दशकों से जिसने विश्व में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक परिदृश्य को बदलने में अहम भूमिका निभाई है वह सोशल मीडिया है। साथ ही जिसने शिक्षा, रोजगार, व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा संचरण इत्यादि के क्षेत्र में अनेक संभावनाओं को सृजित किया है। परंतु साइबर क्राइम, ऑनलाइन धोखाधड़ी तथा सोशल मीडिया के दुरुपयोग ने समाज को नकारात्मक रूप से भी प्रभावित किया है। आज सभी ने, चाहे वो विद्यालय, विश्वविद्यालय हो या कोई धार्मिक या राजनीतिक संस्था या कोई व्यवसायिक संस्था हो आदि, सभी ने सोशल मीडिया का उपयोग करके समाज में हर कोने में अपनी पहुंच बनाने का प्रयास किया है। इस निरंतर विस्तारित होते माध्यम के प्रभाव से लोग एक दूसरे से हमेशा जुड़े रह सकते हैं, जिससे सूचनाओं का आदान प्रदान, ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन व्यापार निरंतर फलफूल रहे हैं। फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप इत्यादि आज सोशल मीडिया के मुख्य घटक हैं, जो न केवल संचार के क्षेत्र में संभावनाएं उत्पन्न करते हैं अपितु इनके दुरुपयोग का भी आसान रास्ता खोलते हैं। इसके माध्यम से अफवाह, गलत जानकारी, धोखाधड़ी तथा उत्पीड़न जैसी समस्याएं आए दिन देखने को मिलती हैं। हाल ही में हुआ वन ऑफ फ्राई ये वाला हमला और ब्लू वेल गेम, यस ये काफी न्यूज में था रिसेंटली, ब्लू वेल गेम जैसी चीजें समाज के लिए बड़ा खतरा है। कुछ अवांछनीय धार्मिक, राजनीतिक तथा आतंकवादी संगठनों द्वारा सोशल मीडिया के दुरुपयोग के बावजूद शिक्षा, रोजगार, जागरूकता तथा तटस्थ इत्यादि के फलस्वरूप सोशल मीडिया एक सकारात्मक भूमिका अदा कर रहा है, बशर्त इसका उपयोग सकारात्मक रूप से उचित परिपेक्ष में समाज के हित में किया जाए। तो इनको मैंने गुड भी दिया है। देखिए, आप में से बहुत लोगों ने मुझे लिखा है, मेल किया है इनफैक्ट हमें, कि मैम समझ में नहीं आता कैसे ऑर्गेनाइज करें। आपको बस 5 पैराग्राफ बनाने हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में आप क्या लिखोगे, सेकंड में आप क्या लिखोगे, थर्ड में आप क्या लिखोगे, फोर्थ में आप क्या लिखोगे, पांचवें में आप क्या लिखोगे। पहले वाले में डेफिनेटली आप उसकी डेफिनेशन, भाषा, उसने कैसे असर डाला है समाज पे, वो सब लिखोगे। दूसरे में मान लीजिए आपको एडवांटेजेस लिखनी है, एडवांटेजेस के आप सभी पॉइंट्स लिखिए। फेसबुक पर आप कितनी बार देखते हैं कि फलाना बच्चे एक रेलवे स्टेशन पर मिला, जो इसको जानता हो संपर्क करें। लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट, जो पुलिस के पहले काम हुआ करते थे, उसमें हमारी मदद कर रहा है। चुनाव के दौरान, इलेक्शंस के दौरान ये हमारी मदद करता है। सोशल मीडिया ने कितनी सारी अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज खोली हैं लोगों को रोजगार दिलाने में, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज। यूट्यूब पर ही आप देख लीजिए कितने सारे आपको ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे कि बंदा खुद भी तैयारी कर रहा है और तैयारी करवाने की कोशिश भी कर रहा है। आप जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, क्या ये मीडिया की देन नहीं है? ठीक है, तो उसके बाद अर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं, और उसके बाद इसमें आप और भी काफ़ी सारी चीज़ें लिख सकते हैं। एडवांटेजेस में इसने आपको अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट किया है, कनेक्टिविटी, आपके बहुत सारे कॉलेज वगैरह के, स्कूल के जमाने के दोस्त उनके साथ आप जुड़े हैं। एजुकेशन में इसने काफ़ी मदद की है, लोग जो छोटे शहरों में थे, जो बड़े शहरों में नहीं आ सकते थे, वो वहीं बैठे अब वीडियोज़ देख रहे हैं। ओके, बहुत सारी मदद ले सकते हैं आप, अगर आप राइट कम्युनिटीज़ वगैरह को ज्वाइन करें। आप अपने इशूज़ शेयर कर सकते हैं, डिप्रेशन, लोनलीनेस, बुढ़ापे से संबंधित सभी समस्याएँ वगैरह जो हैं उनके बारे में। फिर आप अपने बिजनेस को
सस्ते तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, ओके. नोबल कॉजेस के लिए आप लोगों से डोनेशन एनजीओस वगैरह रन कर सकते हैं. आजकल तो शादी से संबंधित भी साइट्स हैं, इसके फायदे भी हैं और इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं. आप नौकरी ढूंढना चाहें सोशल मीडिया पर आ जाएं, आप रोमांस ढूंढना चाहें सोशल मीडिया पर आ जाएं, किसी प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक लेना चाहते हैं, मैं नया एलजी का फ्रिज खरीदना चाहती हूं कैसा है भाई, सोशल मीडिया पर आ जाएं, ओके. टारगेटेड एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं आप. इनफैक्ट ट्विटर तो इतना सक्रिय हो गया है कि वहीं पर सारी न्यूज़ ब्रेक होने लगी है. ये सारे पॉइंट आपके एडवांटेजेस में आ सकते हैं. मैंने तो आपको सारे बता दिया ना जो एडवांटेजेस हैं, उसमें से आप कितनों को लेना चाहेंगे, ओके. कितनों के रिलेवेंट एग्जांपल्स हैं आपके पास, तो वो सारा सेकंड पैराग्राफ में आएगा. थर्ड में हम डिसएडवांटेजेस पे चलेंगे, ओके. डिसएडवांटेजेस में क्या क्या होगा? डिसएडवांटेजेस में साइबर बुलिंग होगी, डिसएडवांटेजेस में हैकिंग होगा, डिसएडवांटेजेस में आपको ये जो लत लग गई है कि हर जगह आप अपने मोबाइल में घुसे रहते हैं वो भी होगा. पास बैठे से बात नहीं कर रहे हो, कोई वर्चुअल फ्रेंड है उससे बात कर रहे हो, फ्रॉड हो गए, स्कैम्स हो गए, सिक्योरिटी इश्यूज हो गए, अफवाहें फैलाना, आपकी जो छवि है वो दो मिनट में झूठी कहानी बनाकर बर्बाद की जा सकती है, ओके. चीटिंग, रिलेशनशिप इश्यूज भी होते हैं, ड्रग्स, अल्कोहल वगैरह को ये ग्लैमराइज करते हैं, तो ये सभी चीजें आपके डिसएडवांटेजेस में आएंगी. और साथ ही साथ इनमें आप जो है जो एग्जांपल्स, मैं बार-बार कहती हूं एग्जांपल्स डालो ठीक है, और फाइनली फिर एक आप बैलेंसिंग सा पैराग्राफ देंगे और समाधान क्या है, किस तरह से इसको यूज किया जाए, ये सब लिखकर आप इसको खत्म करेंगे. तो ये सब कुछ होना था आपका सोशल मीडिया से रिलेटेड जो ऐसे होना है उसमें. आगे चलते हैं. अब मैं आपके लिए पढ़ती हूँ इनका पत्र. ये लिखते हैं आदरणीय भाई साहब, सादर प्रणाम, ओके. पहले इनका एड्रेस भी पढ़ देती हूँ. 19/3/15 जिया सराय, नई दिल्ली. फिर ये है इनका 29 है शायद, ये हिंदी में है 29 सितंबर 2017. आदरणीय भाई साहब, सादर प्रणाम. आप और घर में सब लोग कैसे हैं? मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ. प्रिय भैया, हाल ही में मुझे यह जानकर अत्यंत दुख हुआ कि गांव में घर पर स्थिति कुशल पूर्वक नहीं है. जिस घरेलू हिंसा का हमने हमेशा विरोध किया है और आपने भी हमेशा स्त्री के प्रति सम्मान की भावना रखी है, फिर भी मेरी पूजनीय भाभी हमारे ही घर में घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है. यह आप भी जानते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान बात करके किया जा सकता है, और फिर भाभी के प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं. ऐसे में घर का बड़ा सदस्य होने के नाते भी आपकी ये जिम्मेदारी है कि परिवार को एक करके रखा जाए. मैं आशा करता हूँ कि परिवार की जिम्मेदारी समझते हुए भाभी को उनका सम्मान दें और घर का माहौल शांतिप्रिय बनाकर बात करके समस्याओं को सुलझाएं. हिंसा से नहीं, मैं हमारे सुखमय परिवार की कामना करता हूँ. आपका अनुज रोहित. तो इन्होंने बहुत अच्छा लिखा, लेटर इनका बहुत बढ़िया था. अब लेटर के लिए जो आपको टॉपिक दिया गया था वो क्या था? लेटर के लिए आपको जो टॉपिक दिया गया था वो ये था कि आपके बड़े भाई जो है वो गांव में रहते हैं और आपको पता चला है कि डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा घर पर हो रही है, तो उसके बारे में आपको अपने भाई को पत्र लिखना था. बड़ा ही संवेदनशील सा मुद्दा है. आप में से काफी स्टूडेंट्स, उनको घरेलू हिंसा का पता ही नहीं है कि घरेलू हिंसा होती क्या है. आप लिखते रहे पड़ोस में जो लड़ाई हो रही है, पड़ोस में जो लड़ाई हो रही है, भैया एक अच्छा वकील कर लो, पैसे मैं यहाँ से भेज दूंगा. आपने इसको ब्रेक, इसको सेपरेट कर दिया, वायलेंस का मतलब हिंसा कर दिया, और घर पर हिंसा पड़ोसी के साथ लड़ाई हो रही है. बहुत से लोगों को समझ में ही नहीं आया. कुछ लोगों ने तो स्टार्ट ही बड़े अजीब तरीके से किया. प्रिय भैया, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, बस आपको ये बताना चाहूंगा कि भाभी के साथ मारपीट ना करें, आपका भाई, और इस तरह से आपने खत्म कर दिया. देखो, आपकी मैच्योरिटी आपके पत्र से छलकनी चाहिए. आप अपने बड़े भाई को पत्र लिख रहे हैं, बड़े भाई के लिए आपके मन में रिस्पेक्ट भी होना चाहिए. काफी लोगों ने डियर ब्रो इस तरह की बातें लिखी, ब्रदर भी लिखना जरूरी नहीं समझा. ये सब बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन आप अपने पत्रों में इस तरह से मत लिखिए. कुछ लोगों ने भाभी को तुम्हारी पत्नी करके संबोधित किया. भाभी कहने से क्या हो जाएगा भाई? ठीक है, भाभी जी या भाभी कहने से क्या हो जाएगा? तुम्हारी पत्नी के साथ तुम्हारे संबंध अच्छे होने चाहिए, तुम्हारी पत्नी को समझना चाहिए कि वो अब इस परिवार का हिस्सा है, ओके. इस तरह की बातें आपने लिखी है. तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे माता पिता पर क्या असर पड़ेगा, ओके. कुछ लोगों ने ये कहा कि घर पर छोटे बच्चे हैं उन पर बुरा असर पड़ेगा. यस, वो बात आपकी बिल्कुल सही थी, ओके.
तो बच्चों पर असर क्या होगा, वो सब कुछ लिखा। काफी सारे जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स थे उन्होंने यू बोथ शुड इस लाइन का बहुत यूज किया। यू बोथ शुड ट्राई टू सॉल्व द इशू, यू बोथ शुड लिव पीसफुली, यू बोथ नहीं होता है, होता है बोथ ऑफ यू शुड ट्राई टू सॉल्व द इशूज। ओके, हिंदी वाले लेटर्स जो हिंदी वाले काफी सारे वर्ड्स जैसे कि माँ, जैसे कि आपका पिताजी, इस तरह के वर्ड्स, और भाभी जी, ये वाले वर्ड्स जो है मुझे काफी सारे इंग्लिश वाले लेटर्स में भी देखने को मिले। आपने एमए माँ, पिताजी और भाभी जी इस तरह से लिखा हुआ था, नो, आप इंग्लिश में इंग्लिश के ही वर्ड्स लिखिए, जैसे कि आर पेरेंट्स, माई सिस्टर इन लॉ, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें। ध्यान दीजिए, भविष्य में गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, आगे चलते हैं और मैं आपको एक और लेटर दिखाना एक और ऐसे दिखाना चाहती हूँ। सोशल मीडिया पर इनकी बिगनिंग मुझे अच्छी लगी और कुछ एक हिस्से रोहित कुमार के ऐसे की मुझे अच्छे लगे। सोशल मीडिया इज रिड्यूसिंग सोशल बैरियर्स, इट कनेक्ट्स पीपल ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन वैल्यूज नॉट आइडेंटिटीज, बाय नरेंद्र मोदी। दिस वॉज अ गुड बिगनिंग। Now his see in a very small paragraph he has written all the advantages. Opportunities of social media include staying connected, finding people with common interests, invaluable promotion tool for business purposes, information spreads incredibly fast, helps to catch and convict criminals, easy and instant communication and targeted advertising, etc. So this was good. Threats of social media include perpetrates false and unreliable information, social peer pressure, cyber bullying, loss of privacy, time consuming hacking, fraud and scams, health issues, glamorizes drugs and alcohol. Social media has been a main tool for Islamic State militants to spread propaganda and recruit members for years now. Now he has even given the solutions. Parents must check their children's profile. There should be an apostrophe and S here. Parents must check their children's profile regularly and explain about cyber crimes. One should not accept friend request if the person is not an acquaintance in the real world. Excess of everything is bad. As with any new invention, there are both benefits and disadvantages. See, in this particular topic about social media, a lot of students ended with their disadvantages, but it is always advisable to end on a positive note, like this student has done, and that's the reason I have written for him solution provided. Okay, solution provided, and for this solution provided I will also give him a little star here. Okay, as with any new invention, there are both benefits and disadvantages. It is in the user's hand to get the best possible advantage. So well done Rohit. अब खत्म करने से पहले आपको दो बातें कहना चाहूंगी। एक तो मुझे अभी भी लग रहा है कि काफी सारे स्टूडेंट्स को आइडिया ही नहीं हो रहा है कि 250 वर्ड्स कैसे, मतलब उनको कितना लंबा लिखना है और लेटर 150 का। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगी कि जिस प्रकार से स्टूडेंट ने खुद अंत में लिखा है ना गिनकर 276 वर्ड्स, आप भी जब हमें लेटर भेजें इस तरह से भेजें, आप भी जब हमें अपना पेपर भेजें ऐसे वाला, उसमें लास्ट में इस तरह से लिखिए। आपको देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 बॉक्सेस है एक लाइन में, 270 आपका जो रेंज है वो 240 से 260 में खत्म हो जाना चाहिए। अगर आपको पता हो एसएससी उसके बाद जितने भी आपके एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं उनको काट ही देती है, चेक तक नहीं करती है। आप लेटर के बाद भी इस तरह से वर्ड्स लिखिए और साथ ही साथ आप ऐसे के बाद भी इस तरह से अपने वर्ड्स गिनकर लिखिए। आपको खुद आइडिया होगा कि मैं तीसरे पन्ने पर चला गया हूँ और मेरा जो तीसरे पन्ने का भी अंत में पहुंच गया, मतलब मैंने एक्सीड कर दिया है। एक तो आप ये काम कीजिए, और दूसरा मैं एक और बात कहना चाहूंगी जो हमारे स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको, कि हमने आपको जो शीट भेजी है उसमें इस तरह से हमने जो शीट भेजी है, एक तरफ आपके जो मार्क्स हैं मैक्सिमम मार्क्स वो टाइप्ड हैं, ठीक है, आप हमें वो टाइप्ड वाला भेजें क्योंकि उससे हमारा काम आसान होता है, हमें मैन्युअली ये सारे मार्क्स इस तरह से नहीं लिखने पड़ते हैं आपकी शीट के ऊपर। ओके, टाइप्ड वाली भी शीट हमने भेजी है जो प्रॉबेबली शायद थर्ड या फोर्थ जो टॉपिक है उससे स्टार्ट हो गई आपके साथ जानी। आप में से काफी स्टूडेंट्स ने फर्स्ट वाली शीट का ही प्रिंट आउट लेकर रख लिया है और उसके बाद आप क्या करते हैं, बस ऊपर यहाँ इस तरह से नाम वगैरह लिखकर ऐसे का टाइटल लिखकर शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमने जहां पर मार्क्स इस तरफ आपके परमानेंटली हमारी तरफ से जाते हैं, जैसे रेलेवेंसी प्रासंगिक लिखा हुआ है उसी तरह से हमने भी मैक्सिमम मार्क्स लिख दिए हैं, आप उस वाली शीट पर करके भेजें जिससे कि हमारा काम थोड़ा आसान हो सके। और इसी नोट पर आई होप यू विल कोऑपरेट ताकि हम एक दूसरे को बेटर सर्विस दे सके। आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।